एक नई आशा संगठन के तत्वावधान में सिविल लाइन स्थित एक निजी हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि एक नई आशा संगठन समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली बहुत अच्छी संस्था है, जिन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जो कि समय समय पर सेवा के अनेक कार्य करती है, जिसमें स्कूल को गोद लेना, गरीबों को मुफ्त में दवाई देना, आई शिविर लगाकर निशुल्क ऑपरेशन करना, रक्तदान शिविर सहित अनेक कार्य कर रही है, जिसके लिए बधाई देता हूं। यह संस्था आगे भी इसी तरह से काम करती रहेगी, यही हम सबकी कामना है। इस अवसर पर एक नई आशा फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनैना बंका, सचिव तन्वी अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, एक नई आशा एक समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है, जिन्होंने यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और समय समय पर सेवा के अनेक काम, विद्यालय को गोद लेकर के चलाना, गरीबों को दवा मुफ्त में दवाई देना, या कोई चश्मा या उनको आई शिविर लगा करके उनको निःशुल्क ऑपरेशन कराना, सेवा के अनेक काम एक नई आशा संस्थान करती है। आज उन्हीं के तत्वावधान में यहाँ पर रक्तदान शिविर के आयोजन में मेरा आना हुआ है। मैं इस संस्था को बधाई देना चाहता हूँ कि सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार के अद्वितीय उदाहरण पेश करने का काम यह संस्था कर रही है, और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि यह संस्था आने वाले दिनों में और समाज क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके काम करे।